होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एक यूनिट को हम आज यहाँ पे कंप्लीट कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय के सेकेंड सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, और इसका हम आज सेकेंड यूनिट कवर अप करेंगे। चलिए सेकेंड यूनिट क्या है बच्चों, सेकेंड यूनिट आपका ओवरऑल क्या है अगर आप सेकेंड यूनिट की बात करेंगे तो लर्निंग एंड मोटिवेशंस। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसको कहते हैं अधिगम एवं अभिप्रेरणा। इसका मतलब क्या होता है ज़रा समझिए, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, पहला कॉन्सेप्ट एंड थियरीज ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, थॉर्नडाइक पावलोव कोहलरबर्ग स्किनर एंड लेविन। वास्तव में इस पूरे पॉइंट्स में आपको दो चीज़ें पढ़नी हैं, पहला ये है कि आपका लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब लर्निंग किसे कहते हैं, हिंदी में इसको अधिगम कहते हैं या फिर सीखना कहते हैं, कि सीखना क्या होता है, सीखने की अर्थ क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये पढ़ना है। और थीरीज ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक पावलोव कोहलरबर्ग, इन चारों मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे थॉर्नडाइक ने एक थीरी दी थी अधिगम की, लर्निंग की, जिसको हम कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक उसी प्रकार से कोहलरबर्ग ने भी दिया था, पावलो ने दिया था, स्किनर ने दिया था और लेविन ने दिया था। तो ये जो पांच मनोवैज्ञानिक है इन्होंने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था, उसकी प्रयोग क्या किया था, उसके बारे में बताया क्या था, आपको ये पढ़ना है। तो आपने देखा कि आपका पहला जो पॉइंट है वो पहला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, और दूसरा इन पांच मनोवैज्ञानिकों ने जो लर्निंग थ्योरी दी थी वो आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करें, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, एक बच्चा अगर कुछ चीज़ें सीखता है तो कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित कर सकती हैं, कौन कौन चीज़ें उसके सीखने को प्रभावित कर सकती हैं, उसके लर्निंग को अफेक्टेड कर सकती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोटिवेशंस के बारे में आपको पढ़ना है कि मोटिवेशन होता क्या है, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, इसकी अर्थ क्या होती है, मीनिंग टेक्निक क्या होती है। टेक्निक ऑफ इन्हेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन, अगर कोई बच्चा कुछ सीख रहा है तो उसके मोटिवेशंस को हम कैसे और मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लर्निंग को कैसे और मोटिवेट करके हम उसके लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं, मतलब उसे कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं मोटिवेशंस के द्वारा कि वो और बेहतर से सीख सके। तो दोस्तों ये हो गई ओवरऑल आपके फर्स्ट यूनिट के सिलेबस की एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, ये जो पाँच मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत थे इनको एक एक वीडियो में अलग देखा जाएगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम लर्निंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अधिगम का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये अधिगम या फिर लर्निंग कहते किसे हैं, इसकी विशेषता प्रकृति और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे इसी वीडियो में। और नेक्स्ट बच्चों फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी देखेंगे कि वो कौन कौन ऐसे कारक है, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक बच्चे के लर्निंग को यानी अधिगम को प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ हम इस पॉइंट को भी इसी वीडियो में देखेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, उसकी अर्थ क्या होती है, उसकी प्रकृति विशेषताएं सारी चीज़ें क्या होती है, इसी वीडियो में देखा जाएगा बच्चों। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को एक बार फिर से। महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके सेकेंड पेपर के सेकेंड यूनिट को आज, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे बात कर रहे हैं हम लर्निंग की यानी कि अधिगम की बात कर रहे हैं, तो सीखना क्या होता है बच्चों, अधिगम या सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली और सार्वभौमिक, मतलब सीखना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बच्चा दसवीं क्लास में सीखेगा, फर्स्ट क्लास में सीखेगा, नहीं, वो बच्चा व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। बच्चा जैसे ही इस पृथ्वी पे आता है वो सीखना शुरू कर देता है कि कैसे हमें सुनना है, बोलना है, चलना है, देखना है, खाना खाना है, पीना है, वो सारी चीज़ें बच्चा जन्म से ही सीखने लगता है तथा मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अपने जीवन में उसकी लर्निंग उसकी अधिगम चलती रहती है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती या बढ़ती रहती है। परिस्थिति तथा आवश्यकता, अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो आपकी अधिगम की गति धीरे हो जाती है। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पे आप तेज़ी से सीखने लगते हैं, कभी कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ अपने सीखने की गति कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती या बढ़ती रहती है।
सीखने के लिए कोई स्थान विशेष अथवा समय विशेष निश्चित नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी विद्यालय में जाके सीखेंगे, 9 से 4 के बीच में सीखेंगे, घर पे सीखेंगे। एक बच्चा सीखने की जो प्रक्रिया है वो कहीं भी सीख सकता है, उसके लिए स्थान या कोई समय विशेष निश्चित नहीं रखता। व्यक्ति आवश्यकता अनुसार अथवा परिस्थितिवश कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। सीखने को ही अधिगम कहते हैं, सीखने को हम अधिगम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि अधिगम होता क्या है। अब देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के परिभाषित कैसे किया और किस प्रकार से परिभाषा दिया। तो अगर हम वुडवर्थ की बात करें तो इन्होंने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया था, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। बहुत अच्छा परिभाषण, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन। अगर कोई बच्चा नवीन ज्ञान ग्रहण करता है, नए नए प्रोसेस सीखता है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी प्रोसेस को हम अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड द न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। गेट्स एवं अन्य ने कहा था, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन, मतलब मॉडिफिकेशन। बच्चों यहाँ पे लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जाते हैं आपके व्यवहार में मॉडिफाइड होने लगता है, आपका व्यवहार और बेहतर होने लगता है। तो इस प्रकार से गेट्स ने कहा था, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा, आपके एक्सपीरियंस आपके ट्रेनिंग के द्वारा आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आने लगता है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार उन्नयन होने लगता है, इसी चीज़ को वास्तव में हम अधिगम कहते हैं। और सबसे बेहतरीन किसने परिभाषा दी थी, मुझे लगता है कि क्रो एंड क्रो की इस परिभाषा से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। आदतों, ध्यान से देखिएगा, आदतों यानी कि हैबिट, ज्ञान यानी कि आपका नॉलेज और अभिवृत्ति मतलब आपका एटीट्यूड का अर्जन ही अधिगम है। द लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब यानी कि घमंड, एटीट्यूड का मतलब कि एक अच्छा इंसान बन जाना, इस प्रकार के आपका अर्जन, इस प्रकार का आपका ग्रहण कर लेना ही वास्तव में अधिगम कहलाता है। स्किनर ने कहा था, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। द लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर। उत्तरोत्तर का मतलब आपका बिहेवियर और बेहतर होता चला जाए, आपका बिहेवियर और प्रोग्रेस होता चला जाए, वास्तव में इसी को हम लर्निंग कहते हैं। तो बच्चों ये हो गई ओवरऑल लर्निंग की अर्थ के बारे में और लर्निंग की परिभाषा के बारे में, अधिगम की अर्थ और अधिगम की परिभाषा के बारे में। अब इसकी अधिगम की विशेषताओं एवं प्रकृति को देख लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और इसकी प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पे तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे। जैसे कि पहला क्या है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। आपने देखा कि किस प्रकार से कहा था स्किनर ने कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर के अनुकूलन की प्रक्रिया है, मतलब जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगता है। और एक और चीज़ बात है बच्चों, अगर किसी के व्यवहार नहीं बदल रहे हैं अर्थात वो चीज़ों को सीख नहीं रहा है, आपके व्यवहार पहले से बेहतर होने चाहिए, हमेशा मॉडिफाइड होना चाहिए, हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, तभी ये एक लर्निंग यानी एक सीखने की सिंबल होती है। तो बच्चों इस विशेषताओं को हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। एक और विशेषता है बच्चों की, सीखना संपूर्ण जीवन चलती रहती है। ये कोई इसमें कोई संकोच नहीं कि जो बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ये संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और यही क्या है बच्चों, अधिगम की यानी लर्निंग की एक विशेषता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, हमने इसको अभी देखा था। सीखना क्या है बच्चों, अनुकूलन है। व्यक्ति को प्रायः नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसे उन परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है। एक व्यक्ति जितना अधिक सीखता है उतना ही अधिक अनुकूलन करने में समर्थ होता है। तो यहाँ पे सीखना क्या है बच्चे, अनुकूलन है, मतलब हमें देख के सीखना, सीखने की बात की जा रही है, मतलब किसी चीज़ को कॉपी कर लेना। अगर आपने देखा कि कोई सर कैसे मैथ्स लगा रहे हैं, आप देख के उसको सीख जाते हैं, उसको समझ जाते हैं। सीखना सार्वभौमिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सीखना जो चीज़ें हैं वो सार्वभौमिक, मतलब यहाँ पे सीखना कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं कि आप किसी विशेष व्यक्ति या स्थान से सीखते हैं, जबकि मनुष्य सीखने का कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता। बालक परिवार, समाज, सड़क, पार्क, स्टेशन तथा अन्य स्थानों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इंसान कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। सीखना एक कुशलतादायक है बच्चों, कुशलतादायक का मतलब अगर कोई सी चीज़ को आप सीख जाते हैं तो वह कार्य करने में आपको कठिनाई नहीं होती,
यह नहीं कि वह उस कार्य करने में कोई त्रुटि नहीं करता, करेगा, लेकिन उस कार्य को सीखने के बाद उस कार्य को आप कुशलता से, आराम से, सावधानी से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सीखने में बालक का महत्वपूर्ण स्थान है। ऑब्वियस सी बात है, सिखाने वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसका है बच्चों? सीखने वाले का। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि सीखने की क्रिया एक उद्देश्यपूर्ण भी होती है। मतलब अगर किसी चीज़ को कोई स्विमिंग सीख रहा है, कोई डांस सीख रहा है, कोई कराटे सीख रहा है, तो उस उद्देश्य से सीख रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखना क्या है बच्चों? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना ज्ञान का संचय है। सीखने का परिणाम ज्ञान के संचय से होता है। मतलब आप ज्ञान को अपने अंदर रोकते हैं, स्थिर करते हैं, उसको सीखते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। सीखने से शारीरिक कुशलता की प्राप्ति होती है। आपका फिजिकली आप स्किल्ड होते हैं, अच्छे बनते हैं, बेहतर बनते हैं। सीखना वातावरण से उत्पन्न होता है। आप वातावरण से, एटमॉस्फेयर से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सीखना सक्रिय होता है। अगर कोई बच्चा निष्क्रिय रूप से है तो वो चीज़ों को नहीं सीख सकता। यह एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें बच्चा भी एक्टिव रहता है, सिखाने वाला भी एक्टिव रहता है। वो हमेशा क्या होता है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है बच्चों। सीखना अनुभवों का संगठन है। केवल नए अनुभवों को प्राप्त करना ही सीखना नहीं कहलाता। यह तो अनुभवों का एक संगठन है। आपके अनुभव, थोड़े थोड़े अनुभव से करके आप कुछ चीज़ों को सीख जाते हैं। आपके पुराने अनुभव, आपके नए अनुभव, इनको आप कई समय तक स्थिर रखते हैं, फिर वहाँ से एक नया ज्ञान आपको सीखने को मिलता है। तो सीखना क्या है बच्चों? मानसिक विकास भी हो सकता है। आपका मेंटल डेवलपमेंट भी एक सीखना है। और सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है। मतलब एक बुद्धि के प्रयोग करके आप सीख सकते हैं। और सीखना व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य है। सीखने से क्या होता है बच्चों? व्यक्तिगत भी प्रभावित होता है, व्यक्तिगत रूप से भी सीख सकते हैं। और सीखना एक सामाजिक कार्य है। हम एक समाज को भी सिखा सकते हैं। बच्चों हम यहाँ पे देख रहे थे सीखने की प्रक्रिया, प्रकृति अथवा विशेषताएं। तो हमने विशेषताएं देखी कि ये किस प्रकार से इसके कैरेक्टर होते हैं। तो आपने देखा कि जीवन परत में चलने वाली प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन है बच्चों। तो ये सीखना अनुकूलन है, सीखना सार्वभौमिक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों? ये सारे पॉइंट आपके सीखना है वो आपकी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे, कई बार आपसे पूछा जाता है, बस यूँ समझ लीजिए कि ये तो फिक्स्ड क्वेश्चन होता है जिससे आपसे पूछे जाते हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं एक बार उस प्रश्नों पर नज़र डालिए। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनाए जाते हैं। पहला, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए अथवा अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षण विधि, वातावरण एवं पाठ्य वस्तु संबंधित कार्यों का उल्लेख करिए। सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, शिक्षक संबंधित कारकों की विस्तार से व्याख्या करिए, या फिर अधिगम से आप क्या तात्पर्य है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक उपयुक्त उदाहरण दी। तो आपने अधिगम क्या है ये देखा, अधिगम की प्रकृति देखी, अधिगम की परिभाषा देखी। अधिगम से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हम चलेंगे मोटिवेशंस पे। चलिए अब यहाँ से अगर हम बात करें कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। कारक का मतलब वो कौन ऐसी चीज़ें हैं जो किसी बच्चे को सीखने को प्रभावित कर सकती है। पहला है किसी बच्चे का शारीरिक कारक, दूसरा उसके मानसिक कारक, तीसरा उसका पर्यावरण संबंधित कारक, और चौथा शिक्षण संबंधित कारक। ये चार पॉइंट्स को आप ध्यान से रखिए। अब शारीरिक कारक का मतलब क्या होता है? अब शारीरिक कारक का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को साइकिल चलाना सीख रहा हो, ठीक है, किसी बच्चे को साइकिल चलाना सीखना हो, लेकिन उसके हाथ पैर उतने सही तरीके से काम नहीं कर सकते, वो शारीरिक थोड़ा सा असक्षम है, तो ये बताइए कि क्या ये चीज़ें उस बच्चे के अधिगम को प्रभावित करेंगी? जी हाँ, बिल्कुल करेंगी। उसी प्रकार से मान लीजिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके बगैर वो साइकिल नहीं चला सकता, साइकिल चला सकता है। ऐसा नहीं कि जिसके हाथ या पैर नहीं होते वो स्विमिंग नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन वो जब सीखने जाएगा तो उसको अफेक्टेड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे ये पॉइंट दी गई है कि शारीरिक फैक्टर्स जो होते हैं, शारीरिक कारक, वो बच्चों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि शारीरिक अंगों अथवा स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक अंग की बात की जाए, मान लीजिए जिससे फिंगर्स नहीं है, ठीक है, तो अगर किसी के फिंगर्स नहीं है तो उसको टाइपिंग सीखने में बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल सीखने की बात की जा रही है। या स्वास्थ्य, कोई बच्चा बहुत बीमार रहता है या फिर शारीरिक रूप से कमज़ोर है, वो ठीक से दौड़ नहीं पाता, तो ये सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस शारीरिक अक्षमता की वजह से वो बच्चा कर नहीं सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके सीखने में कठिनाई हो सकती है, ये उसके चीज़ों को प्रभावित करती है। अगला हम पॉइंट देखते हैं दोस्तों, शारीरिक कारक के बाद मानसिक कारक। मानसिक कारक मतलब बच्चे की सोच पे निर्भर करता है, उसका मेंटल कितना स्ट्रांग है, उसको क्या आवश्यकता लगती है। अगर एक बच्चे को लग जाए कि हाँ ये मेरी आवश्यकता है सीखना, तो वो जल्दी सीख जाता है। ठीक है, तो मानसिक कारक में पहला पॉइंट है आवश्यकता,
उस बच्चे को यह पता चल जाए कि हाँ हमें ये सीखना है। जैसे उदाहरण के लिए भूख लगने पर मानव यह जानने की चेष्टा करता है कि भोजन कहाँ मिल सकता है, परीक्षा पास करने की आवश्यकता उसके पुस्तकों का अध्ययन लगाती है। जैसे एग्जाम्स करीब आता है आप देखेंगे आपके सीखने की आपके पढ़ने की आपकी गति बढ़ जाती है, तो वो क्या है मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हैं तुरंत कि नहीं हमें अब करना है। दूसरा है बच्चों अभिप्रेरणा मोटिवेशंस, नए नए मोटिवेशन स्पीकर्स हैं उनकी बातें सुनने के बाद हमें लगता है कि नहीं हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, हमें इंटरनली अंदर से हमें एक अभिप्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, हम चीज़ों को करने लगते हैं। अगर आप भूख प्यास जैसे ये हमें क्या मिलता है, हमें हमें एहसास दिलाता है कि उन चीज़ों को करना है। तो मानसिक कारक में अगर आप पॉइंट्स की बात करें तो आपकी आवश्यकता, आपकी अभिप्रेरणा और बुद्धि कि बच्चा कितना बुद्धि लगाता है, कितना अपने दिमाग लगाता है, कितना इसमें सक्षम है, अभिवृत्ति यानी कि उसके एटीट्यूड कि वो किस तरीके से काम करता है, अवधान व रुचि और अध्यावश और अभ्यास। यहाँ पे बात करते हैं अभ्यास की, ठीक है। अभ्यास का मतलब किसी चीज़ को सीखने में वो मेंटली कितना प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, तो कितना वो प्रैक्टिस करता है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना सीख सकता है। तो ये हो गई बात बच्चों मानसिक कारक की। आपका हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं पर्यावरण संबंधित कारक, इन्वायरमेंटल कितना उस पर इफेक्ट करता है, तो गृह से संबंधित, ठीक है, कि स्वास्थ्यदायक क्या, उसको भोजन कैसे मिलता है, उसके घर पे परेशानी तो नहीं है, आराम है नहीं है, शांत एवं एकांत आवास, माता पिता और अन्य संबंधियों का अच्छा व्यवहार, तो ये सारी चीज़ें उसके सीखने पे इफेक्ट करती हैं, उसको सीखने को प्रभावित करती हैं। विद्यालय से संबंधित कि अधिगम में कैसा विद्यालय का माहौल है, कैसी शिक्षण साधन है, कैसी शिक्षण सामग्री है, शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, अध्यापक कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, अध्यापक एवं विद्यार्थियों में संबंध कैसा है, अधिगम का समय, अधिगम प्रेरक विद्यालय का कार्यक्रम, तो ये वो सारे विद्यालय से संबंधित कारक हैं जो बच्चे को प्रभावित करती हैं। समाज की अगर हम बात करें, देश व समाज में शांति होना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यूक्रेन और रशिया की बात करें तो वहाँ युद्ध चल रहा है, तो वहाँ के बच्चों को अधिगम में ऑब्वियस सी बातें कठिनाई होगी क्योंकि वो एक माहौल ही ऐसा नहीं है, देश में युद्ध का माहौल है तो चीज़ों को सीख नहीं सकते। प्रशासन से सुरक्षा प्राप्त होना, समाज में पढ़े लिखे विद्वान अधिक होना, जिस समाज में पढ़े लिखे विद्वान अधिक होंगे वह उस समाज के बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। समाज के द्वारा शिक्षा एवं निश्चित सम्मान पुरस्कार प्रशंसा देना, कोई बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो उसको मोटिवेट करें, उसको सम्मान दें, उसको उसको अभिप्रेरणा दें, उसको और प्रोत्साहित करें, तो इस प्रकार के माहौल से भी बच्चे क्या करते हैं बहुत अधिक सीखते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने को प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार स्पेशली आपसे पूछ दिया जाता है कि शिक्षण संबंधित कारक, ठीक है, कि शिक्षण संबंधित कारक फैक्टर रिलेटेड टू टीचिंग कि बच्चों को सीखने में प्रभावित करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये आसानी से अध्यापक मतलब टीचर कैसे हैं, कौन से टीचिंग मटेरियल लर्निंग मटेरियल अधिगम सामग्री सीखने की विधि और अधिगम की प्रक्रिया, तो किस प्रकार के आपके शिक्षक हैं, शिक्षक का मतलब उनकी विशेषता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी पढ़ाने की कौशल कैसा है, वो बच्चों के साथ उनका संबंध कैसा है, वो कैसे बच्चों से ट्रीट करते हैं, क्या वो सिंपैथी देते हैं, मारते पीटते तो नहीं है, तो अध्यापक के अपनी व्यक्तिगत क्षमता भी बच्चे को सीखने को प्रभावित करती है। अधिगम सामग्री किस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि क्या उनको पढ़ाने का रुचिकर क्रमबद्ध अर्थपूर्ण व सरल एवं जल्द ही समहित हो जाने और अधिगम अनुकूल करने की सहयोग कर, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर जैसे एग्जांपल्स देके पढ़ा रहे हैं, आप किसी अच्छे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उनको चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो अधिगम सामग्री भी सीखने को प्रभावित करती है और किस विधि से आप बच्चों को सिखा रहे हैं ये भी मेथड अफेक्ट करती है, अधिगम को प्रभावित करती है, और अधिगम की प्रक्रिया कि किस प्रक्रिया के द्वारा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप केवल थियोरी पढ़ा दे रहे हैं या फिर प्रैक्टिकल करके उनको सिखाते हैं, उनको करके सीखने की प्रक्रिया पे बल देते हैं, तो ये समस्त वो सारी चीज़ें हैं जो एक बच्चे के अधिगम पे प्रभावित करती हैं, अधिगम को सीखने पे प्रभावित करती हैं। तो आपने देखा बच्चों, हमने जो आज हमने सेकेंड यूनिट का कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग देखा, यानी कि अधिगम किसे कहते हैं, इसकी अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति और विशेषताएँ क्या हैं, ये हमने पॉइंट देखा, और फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग हमने, ये दो पॉइंट हमने देख लिया। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम अगले वीडियो में ये वाला पॉइंट कवर अप कर लेते हैं कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशंस की मीनिंग क्या है और टेक्निक ऑफ इन्हेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशंस, यानी कि सीखने वाले की लर्निंग को कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं, उसकी टेक्निक क्या है, वो मोटिवेशंस की टेक्निक क्या है, इस ये पॉइंट को हम अगले वीडियो में देख लेते हैं और बाकी इस पॉइंट को अलग अलग वीडियोस में हम देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहां पे मैंने अन्य वीडियोस में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, कमेंट में अपनी राय जरूर दें,
अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक दो बार इस वीडियो को देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एग्ज़ाम में अपनी भाषा में लिख के आइए, बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कमेंट में आपके शब्दों का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय हिंद दोस्तों।